मिसेस पुरो त्रिपाठी जी। मैं शिशिर द्विवेदी बोल रहा हूँ। कल हमारी हॉस्पिटल में मुलाकात हुई थी जी। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। वैसे कल आपने जिस तरह पूरी पार्टी प्लान की थी, मुझे वो देख के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। बस वो इलेक्ट्रिक शॉक के वजह से। लेकिन उसमें आपकी गलती नहीं थी। देखिए, मैं एक इवेंट कंपनी चलाता हूँ और हमें कुछ प्लानर की जरूरत है। अगर आप फ्री हैं और आप हमें ज्वाइन करना चाहें तो। ऑफर के लिए थैंक यू, बट मेरे पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। मिसेस त्रिपाठी, हमें एक्सपीरियंस से ज्यादा हमें एक ऐसे प्लानर की जरूरत है जो हमारे इवेंट में एक पर्सनल टच ला सके, जैसे कि कल आप लेके आई थी। तो बताइए, आप हमारे साथ काम करना चाहेंगी? मुझे खुशी होगी आपकी कंपनी ज्वाइन करने में। परफेक्ट। तो फिर मैं आपको कंपनी पॉलिसी, पे स्केल, ड्रेस कोड एक्सेट्रा की डिटेल्स मेल कर देता हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। थैंक यू। इट्स ओके। ड्रेस कोड? ग्रेट। अब सुमति चाची जाके सबको सब कुछ बता देगी, इसलिए मुझे जॉइंट फैमिलीज नहीं पसंद। हमने खुद की कोई लाइफ ही नहीं है। आज फिर उनसे मुलाकात। अरे जी जी, ये बिजली गिराते हुए हवा हवाई बन के कहाँ चली है? कहाँ चली? मंदिर, प्रभु के दर्शन के लिए। ओ अच्छा जी जी, हमें तो किसी ने बताया ही नहीं कि आज मंदिर में फैशन शो है। हाँ, तुम्हारा कहने का मतलब हम गंदे बन के मंदिर में चले जाए? अरे भगवान को भी तो पता चले उनकी जो प्रिय भक्त है कितनी खूबसूरत है और अच्छा गा भी लेती है। एक बात कान खोल के सुन लो, जब भी घर से बाहर जाए ना तो का मत करो। स्टूपिड। ले, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। 10 मिनट जल्दी नहीं उठ सकती थी? जल्दी उठती तो डॉक्टर वेदांत के साथ जाते ना। कल से नो डिले, उनके साथ उनकी ही बाइक पर बैठ के साथ में हॉस्पिटल जाएंगे। संजू, 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 हो गया तुम्हारा? अभी कहाँ। तो कुछ करो। हाँ? जल्दी से सिलेबस पूरा करो, फेल होना है क्या एग्जाम में? होना तो नहीं चाहता पर होना पड़ेगा। ये क्या बात हुई? पापा की वेदांत भैया से शर्त है कि वो मुझे पास नहीं करा पाए तो अपने रत्नों की दुकान हॉस्पिटल में खोलेंगे। उन्हें हराने के चक्कर में पापा ने मेरी सारी बुक्स भी फाड़ दी। मेरे होते हुए वेदांत हार नहीं सकते। ऐसे तुम्हें फेल नहीं होने देंगे संजू। बड़ों की लड़ाई में तुम अपना करियर खराब मत करो। देखो संजू, अगर तुम फेल हो जाओगे ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारा तो पता नहीं पर मेरा प्रॉमिस ले लो, अब तुमसे ज्यादा अच्छा डॉक्टर बन के दिखाऊंगा। अब से मेरे वेदांत लाइफ की हर शर्त जीतेंगे। पार्टी प्लानिंग से लेकर के सबके जाने तक की पूरी सीसीटीवी फुटेज यही है सर, आप देख सकते हैं। एक मिनट, इसको रिवाइंड करो। जी सर। थैंक यू मनोहर, मैं खुद देख लूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। कौन थी वो? बहुत नाइंसाफी है। आपकी तस्वीरें आपकी सुंदरता का सच बयान नहीं करती। अरे
ऐसे तरसाइए मत। कमबख्त इन आंखों को आपकी तस्वीर दिल में तो उतारने दीजिए। तस्वीर की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने रमेश भैया से बात कर ली है। बस अब इस खूबसूरती को जितनी जल्दी हो सके ब्याह कर ली चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए। गोमती बुआ ने किया ये सब रमेश अंकल की मदद से। अंकुरी, तुम उन वायरस के बारे में जानती थी क्या? मुझे शक हो गया था, पर फिर मैंने जब दी को उन वायरस के पास जाते हुए देखा तो मुझे जो ठीक लगा वो मैंने किया। पर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या मैं तुम्हारी मदद कर पाता? इतनी बड़ी बात आपके परिवार के खिलाफ अगर आपको बताती तो क्या आप मान लेते? नहीं ना, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। जिस तरह से आप अभी हर्ट हो रहे हो, I'm sorry. It's okay, पंखुरी, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर वेदांत, वो सच आपके सामने है बुआ, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं, कौन है आदमी जिससे आप बात कर रही हैं? क्या कल पार्टी में इलेक्ट्रिक शॉक आपकी वजह से लगा? बुआ, मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूं। ये तो अच्छा हुआ किसी को कुछ हुआ नहीं, इसलिए ना तो मैं किसी को कुछ बताऊंगा और ना ही कुछ करूंगा। आपको बस सच बोलना है। मुजड़ीदार, मेरी बहन से इस तरह सवाल पूछने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? कहीं का थानेदार है क्या? तुम लोगों ने क्या शोर मचा रखा है? बुआ कल किसी बाहर के आदमी के साथ हॉस्पिटल आई थी, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि वो कौन है। जिस समय पार्टी में तू अपनी घरवाली के साथ मौज मना रहा था ना, कोमती उसकी मदद कर रही थी उस पेशेंट की। क्या नाम है उस पेशेंट का बाबूजी? उसका नाम बिट्टू है। लेकिन बिट्टू नाम की तो कल कोई एंट्री नहीं हुई है हॉस्पिटल में, तो कुछ और होगा, कोई टीटू नीटू कुछ। बाबूजी, कल शाम हॉस्पिटल में किसी भी नए मरीज की एंट्री हुई ही नहीं है। छोटी से छोटी ओपीडी में दिखा दिया, नहीं हुई एंट्री। ओपीडी में ना किसी ने इस आदमी को देखा और ना इसका इलाज किया। तेरी इन बातों से मैं झूठा साबित नहीं हो जाऊंगा, लेकिन इनके कहने से गलत जरूर साबित हो जाएंगे आप। बोलो सच। सर, अस्पताल में एंट्री इन्होंने करवाई थी। वायरिंग मैंने इनके कहने पे बिगाड़ी थी। सर, मैंने सिर्फ पैसों के लिए। सर जाओ तुम। रमेश, तू हमेशा अपना पराया करता रहता है ना। आज संजीवनी सदन में वैद्य गंगादत्त त्रिपाठी के जन्मदिन पर अपनों ने दुश्मनी दिखाई, और जिन्हें तू अपना नहीं समझता ना, उसने घर की इज्जत बचाई। रमेश, तू किसी की जान लेने की कोशिश भी कर सकता है? अरे, वेदांत ने तुझे पुलिस में इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो तुझे अपना बाबूजी मानता है, और तूने उसके साथ। अगर वो मुझे अपना बाबूजी मानता ना, तो इस तरह शक नहीं करता मुझ पे। और वैसे भी इस गुदड़ी लाल पे इतने एहसान है हमारे कि हमें बचाना तो था इसने। अम्मा, अगर एक कुत्ते को भी दो वक्त की रोटी डालो ना, तो दरवाजे पे तुम हिलाता रहता है, और ये तो। दादी, कुदड़ी लाल मां बेटे के बीच में नहीं आएगा तो। अम्मा, सोन,
पहली बाजी जीत के मत समझना कि तू जीत गया। नहीं लड़नी कोई लड़ाई मुझे आपसे बाबूजी, जिससे मेरे परिवार का सुकून छिन जाए। जब तक तू इस घर में है सुकून है कहां? इस घर की शांति चाहता है ना, निकल जा इस घर से, निकाल दे वेदांत को। लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दे, तू ये घर चला पाएगा? राधिका और संजू की पढ़ाई का खर्चा, हम सबका खर्चा उठा पाएगा? ये जो तेरी इतनी अकड़ है ना, तो मत बेच अपने नकली पत्थर उन अपने ग्राहकों को जो वेदांत की वजह से तेरे पर विश्वास करते हैं। वेदांत चला गया ना तो ये हॉस्पिटल बंद हो जाएगा, हमारा वजूद खत्म हो जाएगा। ये पराया वेदांत है तो हम हैं, हमारा घर है, हमारा परिवार है, ये कहीं नहीं जाएगा। जाएगा अम्मा, इतना मजबूर कर दूंगा, इतनी तकलीफ दूंगा इसे कि खुद घर छोड़ के जाएगा। फिर अंजाम जो मर्जी हो जाए। अरे क्या मतलब, कुछ भी बोल रही हो सुमति? सुमति की अकल और एक जासूस की नजर पर कभी संदेह नहीं किया करते नरेंद्र जी। अरे पर इन जासूसी आंखों ने देखा क्या? इश्क का रंग, शर्म का पल्लू और होठों पर गुड़ से मीठा गीत। गलत फहमी है तुम्हारी, मेरी बेचारी बहन सपने सजाती है इसलिए ऐसे गीत गाती है और सच समर के ऐसे शर्माती है। ना 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 ना, सुमति को वो सब कुछ बताती है, खुद इश्क का घूट भर कर मुझे चुप रहने की कसम खिलाती है। ओह नो, ओह यस। इस बार तो पूर्वा बच गई, पर बाबूजी पता नहीं फिर से अब क्या। आप अंदर ही अंदर अपने आप से बहुत सारी बातें करते हैं ना? अब अपने आप से थोड़ी बहुत बात तो हर कोई करता है, दिल में कुछ दबा हुआ हो तो। सुनो, मुझे तुमसे कल की पार्टी के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। वैसे मुझे भी आपसे उसी बारे में बात करनी है। मिस्टर द्विवेदी का फोन आया था, पार्टी देखने के बाद वो अपनी कंपनी में मुझे जॉब ऑफर कर रहे हैं और मैंने हाँ कह दिया। ठीक किया ना? पूर्वा बाबूजी की नजरों से जितना दूर रहे उतना अच्छा है, पर नौकरी? आपको पता है वो इतने खुश थे मेरा काम देखने के बाद कि वेट ही नहीं करना चाहते, इनफैक्ट यूनिफॉर्म भी भिजवा रहे। ग्रेट न्यूज़ ना? यूनिफॉर्म? हाँ, ये प्रॉब्लम होगी घर पे। वो तो तुम्हारे जॉब करने से भी होगी, तो मैं मना कर देती हूँ। नहीं, तुम काम करो, बस यूनिफॉर्म को ऑफिस जाके पहन लेना, घर तक बात लाने की जरूरत ही नहीं। सच छुपाएंगे? कई बार जब कड़वे सच सामने आ जाते हैं ना पूर्व, तो बहुत तकलीफ होती है। तुम जॉब के लिए हाँ कह दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। ऑल द बेस्ट पूर्व। अम्मा, 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 अब ऐसे नाराज रहोगी? हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं ना, माफ कर दो ना अम्मा। अगर तुझे तेरी कल की गलती का एहसास हो गया हो तो अब जो मैं पूछूं उसका सच सच जवाब देना। ठीक है अम्मा, पूछे जो आप पूछना चाहती हैं। कल मंदिर किससे मिलने गई थी? बोल। अम्मा, अम्मा, हमें हमारा सच्चा प्यार मिल गया है। सच्चा प्यार? हाँ माँ, माँ मैं तो कहती हूँ जल्दी से मेरा ब्याह कर दीजिए, आप भी सभी परेशानियों से दूर हो जाएंगे और मेरी बाकी की जिंदगी अच्छे से कट जाएगी। अम्मा,
अम्मा ब्याह दो ना हमें। अगर यही हरकतें तू वहाँ जाकर करेगी तो? नहीं करेंगे अम्मा, वादा ले लो। अम्मा आपकी कसम, बस एक बार हमारा ब्याह कर दीजिए अम्मा। अरे ऐसे थोड़ी ना ब्याह हो जाता है, लड़का देखा जाता है, घर बार देखा जाता है, क्या करता है ये सब देखना पड़ता है। ये देखो ना अम्मा, ये इनका नाम प्रीतम है। घूमती ये लड़का तुझसे उम्र में छोटा नहीं लगता? अम्मा प्यार में सब जायज होता है। एज इज जस्ट अ नंबर, और वो क्या कहते हैं, एवरीथिंग फेयर इन लव एंड बार। माँ कहे कोई तुम दिमाग पच्ची करवा रही हो, मान जाओ, हाँ करो, पसंद करो, हमें विदा करो यहाँ से। अम्मा वेदांत को फोन लगा। सच्चा माँ? जी बुआ। वेदांत, गोपती शादी करना चाहती है और उसने अपने लिए लड़का भी पसंद कर लिया है। ये तो बहुत खुशी की बात है दादी। शायद शादी के बाद इसे थोड़ी अक्ल आ जाए और इसके जाने के बाद हमारे घर की शांति भी बनी रहे। जितना मुश्किल समय बुआ ने देखा है ना दादी, उसके बाद उन्हें भी हर खुशी मिलनी चाहिए। वैसे लड़का कौन है? लड़के का नाम प्रीतम है, और फोन नंबर और फोटो मैं भेज देती हूँ, तो अच्छे से पूछताछ कर लेना। जी दादी, कोई कसर नहीं रहेगी। लड़के के बारे में पता लगाने का हक बड़े भाई का होता है, ये गुदड़ी लाल कहां से आ गया बीच में? भैया अम्मा चाहती है जल्दी से मेरा ब्याह हो जाए जैसा आप चाहते हैं। अब मुझ तक मेरे प्रीतम को कोई भी पहुंचाए, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, तू ऐसा कर, मुझे अपने प्रीतम से मिलवा, अगर मुझे वो अच्छा लगा तो जल्द से जल्द मैं तेरा कन्यादान कराऊंगा। कुरियर आया है। किसके नाम से आया है भैया? मिसेस पूर्वा त्रिपाठी। ओ, इसके कुरियर भी आने लगे अब। ला पहले हम खोल के देखते हैं। नौकरी लग गई महारानी की। और नए कपड़े भी आने लगे। अब ये यूनिफॉर्म पहन के जाएंगी मैडम जी जॉब पर? सूट और साड़ी की कमी आ गई थी त्रिपाठी खानदान में। भैया कपड़े भी आ गए, अर्जी भी आ गई, आपकी आंखों के सामने सब कुछ होता और आपको पता ही नहीं चला। गुदड़ी लाल की महारानी आइए। किसकी इजाजत ली? घर में रहती हो और बड़ों का लिहाज नहीं है? माफ कीजिए बाबूजी, लेकिन लिहाज तो छोटों का भी होना चाहिए ना। मेरा लेटर आपको मुझसे पूछ के खोलना चाहिए था। तो छुप के नौकरी करने का षड्यंत्र था महारानी का। आखिरी बार समझा रहा हूं, इस घर की बहुएं बाहर जाके नौकरी नहीं करती। आज तो तय कर ही लेते हैं बाबूजी, क्या मैं इस घर की बहू हूं? क्या आप मानते हैं इस बात को? जो भी हो, लेकिन रहती तो इस घर में हो ना। नौकरी करके तुझे इस घर की इज्जत नीलाम नहीं करने दूंगा मैं। जब आप इस घर की इज्जत को जेल भेज सकते हैं, तो नौकरी पर क्यों नहीं? तेरी इतनी हिम्मत? हाथ उठाने के इल्जाम में आपको जेल भी हो सकती है बाबूजी। सिर्फ एक फोन कॉल और एक छोटे से स्टेटमेंट से। भैया क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए। ये बेहुदा बेढंगे मर्दाने कपड़े पहनकर हमारी इज्जत का तमाशा बनाना बाहर। जाकर दिखाओ अब्बा। अगर आप आराम से कहते तो शायद मैं मान भी जाती,
लेकिन अगर आपकी जिद है तो मेरी भी जिद है। मैं जॉब पर जाकर ही रहूंगी। तो चैलेंज कर रही है मुझे हा? तो मैं भी चैलेंज करता हूं। ना तुझे नौकरी करने दूंगा और ना इस घर में रहने दूंगा। बाहर निकालूंगा 48 घंटों के अंदर।